नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, राजस्थान में भी बारिश का है अलर्ट। कभी बारिश तो कभी गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इसकी वजह से लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। वही बीते दिनों बारिश के बाद एक बार फिर यहाँ पर मौसम विभाग ने इस हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। वह इसकी वजह से अप्रैल महीने की शुरुआत में भी गर्मी से थोड़ी राहत यहाँ पर मिलने की संभावना है। वही मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार फिलहाल आज और कल 2 दिन तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, उसके बाद आसमान में बादल चढ़ेंगे। और मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में 30 और 31 को कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम अभी सुहाना बना हुआ है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम यहाँ पर सामान्य से रहा और 16.7 डिग्री दर्ज किया गया। वही दिन में आसमान साफ रहा, अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही अधिकतम तापमान जो है 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ दिनों में यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी बारिश होने का अनुमान है। जयपुर मौसम विभाग के अंदर से मिली जानकारी के मुताबिक 29 और 30 को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 29 मार्च को बीकानेर और जैसलमेर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वही 30 मार्च को इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, कोटा और भरतपुर जिलों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, तो आखिर एमपी का मौसम कैसा रहेगा, एमपी का मौसम किस प्रकार रहने वाला है, एमपी के मौसम को लेकर अपडेट क्या है। तो एमपी के मौसम को लेकर यही अपडेट है कि एमपी में अभी तापमान में अभी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने वाला है। बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बढ़ेगी गर्मी, उसके बाद फिर वर्षा का दौर यहाँ पर शुरू होने की बात कही गई है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने यहाँ पर बदलाव को लेकर बात कही है। दरअसल अगले कुछ दिनों में तापमान फिर उछला यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग अब आने वाले 48 घंटों में 2-3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी की बात कही है। वह आने वाले 2 दिन तक गर्मी बढ़ेगी, इसके बाद मौसम करवट लेगा। वैसा एक और दौर आने वाले की संभावना है। वही मार्च के अंत में कई इलाकों में पानी गिर सकता है। जानकारों का माने तो यहाँ पर नया पश्चिमी विक्षोभ जो है 30 और 31 के बीच में मजबूत होगा। इस दौरान चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ गरज चमक के साथ छींटे हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी एमपी में जताई गई है, यानी ओलावृष्टि भी हो सकती है। वह मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की गई है। नागौर में 4, मलाजखंड, बहरी और कुहारी और इसके अलावा वर्षिवनी और सिद्धि और सतना, रामपुर और नारायणगंज और पुष्पराजगढ़, बक्सावा और आसपास के इलाकों में पानी यहाँ पर गिरा है। वह मौसम विभाग ने यहाँ पर शेड्यूल संभाग के जिलों में ज्यादा बारिश की बात को कही है। राजगढ़ में सबसे सर्दी के यहाँ पर तापमान अभी दर्ज किया गया है, 37 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वह अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कह रहा है कि रीवा संभाग के जिलों में दतिया और इसके अलावा ग्वालियर और अनूपगढ़ और अनूपपुर और इसके अलावा यहाँ पर शहडोल, मंडला, डिडोरी और बालाघाट में वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे यहाँ पर पड़ सकते हैं। वही एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी के मौसम अपडेट की, ताकि यूपी का मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले 24 घंटों में। तो यूपी के मौसम को लेकर अपडेट यही है कि यूपी में आज बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में तापमान बढ़ोतरी की बात कही गई। दरअसल बात यह कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते सप्ताह बारिश से हुई है। वही प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भी कुछ दिन तक यहाँ पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। वही अगले 2 दिन गर्मी बढ़ेगी। वही मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि इस हफ्ते यहाँ पर राज्य में ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन
कुछ इलाकों में ज्यादातर इलाकों में अभी धूप यहाँ पर निकलेगी। वही मौसम विभाग ने कहा कि मौसम जो है आगामी दिनों में साफ रहने की संभावना है। तेज धूप निकलने के कारण न्यूनतम अधिकतम तापमान बढ़ोतरी होगी। तापमान बढ़ोतरी के कारण कई जगहों पर गर्मी का असर जो है वो देखने को मिलेगा।